कोई नहीं है, मेरा पहले गुजर गया, इन्होंने बहुत बुरी करने गई, इन्होंने साथियों से उन्हें दे मेरे बच्चों के साथ किया, जो इन्होंने मेरा दादी को पास दे दे, तो मैं क्या कर दी सर हमारी है। ये देखिए यहाँ से ये तो थोड़ा सा अब वैसे हो गया, कल तो यहाँ से पूरा नीला पड़ चुका है। और ये देखिए सर, और यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे और मेरी यहाँ ये सीधा, और सर पे तो मारा ही है। ये वो विवादित वीडियो है जिसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ और वायरल हुआ ये वीडियो। इसकी जब जांच पड़ताल करने टीम पहुंची तो पता चला कि ये सारा मामला क्या है। ये देखिएगा यहाँ किस तरह से चप्पल उठाई गई और उसके बाद लगातार पीटा गया। ये आवाज आप सुनिए, फिर आगे बताते चलते हैं। हमारी जमीन है बेटा, कुछ तो से हमारी है, और इन लोगों को घास काटने का मौका मिलता है, हमारी छोड़ रखी थी वैसे गाय चरने के लिए, तो इन लोगों ने घास काटा, हमने बोला हमारी जमीन को घास मत काटो, इन्होंने जबरदस्ती की, और वो हमारे बहू गई वहाँ देखने पेड़ काट रहे थे ये खड़ी के, अरे गई देखने कि हमारा पेड़ मत काटो, इन्होंने वहाँ मार मकार के पूनम ने वहाँ पत्थर मारा और मेरी बहू को सिर में से वो चप्पल मारी, और सब उसी का आदमी ने क्या नाम है उसका, विजेंद्र रावत ने उसको गला दबाया और मार पीट की मेरे बहू के साथ, अब बदतमीजी की, और उसने तब वो उसके गले में चेन थी और उसका हाथ में फोन था, वो सब पता नहीं कहाँ चुला दिया, कहाँ रख दिया, जब तक मैं गई वहाँ, जब वो चिल्ला रही थी मेरी बहू, मैं गई तब तक वो भाग गए दोनों। हाँ कुछ भी कर सकते थे, और मेरे नाती को भी मार दिया था उन्होंने, उसके सिर में भी डंडा मारा उसने, मेरी बहू को भी दोनों को मार दिया। जिन लोगों ने मुझे मारा है यहाँ पे मैं और मेरा बेटा और मेरी सासू जी, मेरी सासू जी उस रास्ते आई और मैं मेरा बेटा इस रास्ते गए। यहाँ ऊपर हमारा खेत है, हम यहाँ पे हमको किसी ने बताया कि ऊपर तुम्हारे खेतों में झाड़ियाँ काटी जा रही हैं, पेड़ भी काटे जा रहे हैं, और यहाँ इस रास्ते गए हम, ऊपर तो वो झाड़ियाँ काटे थे, तो मैंने उनको बोला कि मैंने प्यार से बोला, मेरा बेटा नीचे था, मैंने उनको ऊपर गई, मैंने उनको बोला कि आप यहाँ पे भाई तुम किसके कहने पे यहाँ पे झाड़ियाँ काट रहे हो, तो उन्होंने बोला कि ये मेरा खेत है, तेरे बाप का खेत है ये, मैंने कहा ये मेरे ससुर का खेत है, मेरे बाप का तो नहीं है, मेरे ससुर का खेत है, तो उसने मैं चप्पल उठाई और मेरे सर पे मार दी, चप्पल उठा के मेरे सर पे जब मारी तो मैंने अपने बेटी को बोला कि तू वीडियो बना, और मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया, टच भी नहीं किया, उसके हस्बैंड ने फिर डंडा लेके आए और मेरे बेटे के ऊपर, अब मेरा बेटा जब उन्होंने मुझे मारा तो मेरा बेटा मुझे बचाने के लिए ऊपर आया, तो उसने डंडा उठाया मेरे बेटे के सर पे मार दिया, मैं उसको बचाने के लिए गई तो उसने मेरा ये मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, उसने मेरा टी शर्ट छीन के मतलब ये ऐसे खींच के फाड़ दी और नीचे फेंक दिया, कह रहा इस रंडी को नंगा करो और यहीं पे मारो। अब पूरे ये देख सकते हो आप लोग, इतना सारा मेरा मेडिकल भी हुआ है, सब कुछ हो रखा है, ये गर्दन सब मेरे सर पे भी चोट आ रखी है, मेरे बेटे के सर पे भी चोट आ रखी है। हाँ सर, सबसे पहले उसने मेरे हाथ से फोन छीना और सीधा नीचे गधेरे फेंक दिया, और मेरी चैन थी गले में सोने की, ये भी पता नहीं कहाँ घूम के, हम ढूंढ भी देते सुबह शाम को, पर उन्होंने वो मिली ही नहीं है। आई मेरे फोन ये देख सकते हो आप लोग, इसका सिर्फ पीछे का कवर मिला है, आगे का नहीं है, ये है फोन। सर मैं यही चाहती हूँ, अगर किसी महिला पर एक जेंट्स ऐसे मार धाड़ कर रहा है, खुलेआम कर रहा है, गुंडागर्दी दिखा रहा है, उसे ऐसी सजा मिले, उसको खुला मत छोड़े, हाँ, क्योंकि हमारा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड को वहाँ जाके धमका रहा है, यूनियन में जाके मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं, उनको वहाँ पे जाके धमका रहा है, पैसे मांग रहा है उनसे, और मैं ये चाहती हूँ इसे खुला ना छोड़े, इसे बिल्कुल जेल में बंद करें इसे। सर
सर नारी का सम्मान तो मैं नहीं जानती हूँ कि ये नारी का सम्मान हो रहा है। जब ये खुली छूट में ये हस्बैंड वाइफ ने मुझे मारा, नारी का सम्मान अगर होता कल तो शायद इनको छोड़ते नहीं, इनको छोड़ते नहीं, इनको बंद रखते, इनको शाम को छोड़ दिया गया और ये फिर पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। हमें ये इसकी खबर मिल चुकी थी, लेकिन ये प्रेमनगर के रहने वाले हैं और इसका नाम विजेंद्र रावत है और इसकी वाइफ का नाम पूनम देवी और वो पिंकी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे बहुत गुंडागर्दी मचा रखी है, इन लोगों से हमें बहुत खतरा है। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैंने आज उसको नहीं भेजा स्कूल। मुझे खतरा है कि ये कहीं मेरे बच्चे को कहीं कुछ कर दे, मैंने आज उसको कॉलेज भी नहीं भेजा। मैं सरकार से यही वो करती हूँ कि हमें इनसे खतरा है और हम सरकार से अपनी सुरक्षा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई कार्रवाई हुई है, पर लेकिन आज मेरे हस्बैंड लोग गए हैं वहाँ पे थाने में, तो आज पता चलेगा। कल तो इनको छोड़ दिया गया था शाम को। सर जी ऐसा है कि मेरे ससुर जी ने 1974 मिली थी जमीन और तब से लगातार हम ही काबिज हैं उस जमीन पे। तो अभी क्या हुआ कि 7-8 महीने पहले इन लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि जमीन हमारी है, इसको खाली कर दो। तो अब विवाद से बचने के लिए हमने एसडीएम कोर्ट पौड़ी में बात दाखिल कर दिया है ना। तो अभी हमने इनको बोला भाई कि कोर्ट के थ्रू जो होगा, लेकिन ये लगातार हमें फोर्स कर रहे हैं कि वहां से खाली करो, खारिजी करो। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ कि मेरी वाइफ वहां पे काट रही थी, झाड़ी वगैरह काट रही थी, घास और झाड़ी वगैरह काट रही थी और आड़े वगैरह फूंक रही थी। तो इस बीच क्या हुआ कि वो लोग आ धमके कि खाली करो खाली करो, और इस खाली करने के चक्कर में क्या हुआ कि वो आपस में फिर तब लेडीजों का जैसा होता है। लेकिन क्या है कि अभी जो बोल रहे हैं ना कि ये कर दिया वो कर दिया, इनका पर्पज है कि इसको बड़ा करके प्लांटेड है मतलब ये, और इससे क्या क्या है कि बड़ा केस बनाया जाए और ये जमीन छोड़ के भाग जाए। अगर सही बात है तो ये कोर्ट के थ्रू लड़े ना, तो कोर्ट में केस डाला वेट कर लें। और पीसीपी है अपने, ये ऐसा कुछ करने की तो जरूरत नहीं थी, ये केवल प्लांटेड करा हुआ है और मामले को बड़ा बनाया जाए और ये यहाँ से जमीन छोड़ के भाग जाए। क्योंकि अगर केस लड़ेंगे तो केस फिर वो बहुत लंबा लड़ना पड़ेगा, तो वो चाहते हैं कि तुरंत ही यहाँ से भाग जाए, मतलब ये बड़ा केस करके और बदनाम करके और इनको जमीन से भगा दिया जाए। ये ज्यादातर बातें प्लांटेड है, झूठी हैं। और जो मेन जो बात रही काबिज होने की, तो हमने ये जमीन इनके ताऊ से ली थी और इनके ताऊ के बाल बच्चे नहीं थे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि अभी इन्होंने 5-6 महीने पहले ये अपने नाम दाखिल खारिज चलाया। हमने एक्चुअली स्टैम्प पेपर पे ली थी उस जमाने में, तो पुराने जमाने में ऐसे ही होता था। और 1974 से हम ही काबिज हैं उस पे, आज तक हम ही काबिज हैं। अगर हमें हटाना होगा, उनको हमें हटाना होगा तो फिर कोर्ट के थ्रू हटाएंगे ना, किसी ऑर्डर के थ्रू हटाएंगे, सीधे धक्के मार के हटा देंगे। ये मुकदमा दर्ज तो अब तो ये है कि वो प्लांटेड है, तो अब वो बोल रहे हैं तो उसमें छानबीन होगी, कोर्ट में जो होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेन मुद्दे को बड़ा बनाने का मतलब ये है कि हमको जमीन से किसी तरह से भगा दिया जाए, झूठी बात है। ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमें केवल जमीन से मतलब है, बाकी इन लोगों से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर उस जमीन में आके अब ये जब धक्का मुक्के और बाहर करने की कोशिश करेंगे तो जो काबिज बनता है तो वो तो काबिज रहने की कोशिश करेगा ना वहाँ पे, नहीं तो हमारा कब्जा छिन जाएगा, तो वो तो कब्जे पे आ जाएंगे। क्या नाम आपका जी? विजेंद्र सिंह रावत। प्राप्त हुई थी थाने पर, इसमें दो पक्ष जो है उनका आपसी विवाद हुआ था, चंदोला राय के रहने वाले दोनों पक्ष है, और उसमें जो है मारपीट की गई है महिला के साथ और उनके बेटे के साथ। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिए और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। देखिए आईओ को निर्देशित कर दिया गया है कि विवेचना के हर पहलू से जांच करें और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको विवेचना में सम्मिलित करके त्वरित निस्तारण करें। 323 और 506 IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किए।